नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी और मैं हूं साहिल स्वतंत्र आपके साथ। उन्नाव जनपद कहा जाता है कि आग के गोलों पर बैठा हुआ जनपद है। लगातार कोई ना कोई घटनाओं कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको लेके हमेशा सुर्खियों में रहता है। कल बांगरमऊ के लिए एक बड़ा बेहद ही खौफनाक मंजर वाला रहा। यहाँ पर ऐसा प्रकट हो गया कि यहाँ पर एक सब्जी विक्रेता फैसल नाम का, जो किशोर था 17 साल से, बस थोड़ी सी उम्र उसकी ज़्यादा थी, वो इसी जगह पे, ये आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं इस जगह को। यहाँ पर वो फैसल अपनी सब्जी की दुकान लगाए हुए था और यहाँ पर पुलिस के दो जवान एक होमगार्ड के साथ आते हैं और उससे कोविड मानकों को पूरा करने के लिए कहते हैं, जिसको लेकर उनसे कुछ बात होती है, जिससे आखिर में होता यह है कि पुलिसकर्मी उससे मारपीट करते हैं और मारपीट करते हुए उसको थाने ले जाते हैं। उन्नाव की पुलिस पे हत्या करने का आरोप चौंका देगा आपको। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि जिंदा आदमी को कैसे मार सकती है उन्नाव पुलिस। कैमरे में कैद है वहां का एक एक सच जो पुलिस पे सवाल उठाएगा। पुलिस वालों ने परिजनों के सामने भी बेकसूर को पीटा और उसकी मौत हो गई। तस्वीरें बताती हैं कि गुंडों से खतरनाक है उन्नाव पुलिस। इस तस्वीर को देखिए, यहां दो पुलिस वाले बांगरमऊ थाने के आते हैं और आते ही सब्जी वाले को कहते हैं थाने चलो, फिर उसके साथ थोड़ी देर मारपीट करते हैं। पहले बाइक पर बैठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसे गाड़ी पर बैठाया जाता है, फिर उसके साथ मारपीट की जाती है जिसकी तस्वीरें नहीं है। अब थाने में उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो मर जाता है। अभी आपको हम पहली तस्वीर के बाद अब ये दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इसमें देखिए, जब पुलिस ने उसे छोड़ा तो उसकी हालत कैसी थी। वो चल नहीं पा रहा था, वो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, चलते चलते वो गिर जाता है, कंधों के सहारे चलने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। तो उन्नाव के बांगरमऊ में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मर गया। थाने के बाहर लोगों का आरोप है कि बांगरमऊ पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज। मामला बढ़ गया, हंगामा हो गया, सड़क जाम हो गया, नेता भी बाहर आ गए, लेकिन ये सच अभी नहीं पता चल पाया कि आखिर इस बेचारे गरीब और बेकसूर सब्जी वाले की मौत या हत्या किसने की। कई तरह की स्क्रिप्टें गढ़ी जा रही हैं, तो कई तरह की बातें आ रही हैं। पोस्टमार्टम कुछ अलग कह रही है, अधिकारी कुछ अलग कह रहे हैं, असलियत क्या है ये अभी खुल की विवेचना के बाद आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम में लगातार बने रहे डॉक्टर मुन्ना अलवी साहब हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ कल, कैसे कहाँ तक घटना कैसे हुई और कहाँ तक मामला पहुँचा, इन सारी बातों पर इनकी राय हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ कल, आप पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद रहे। घटना तो पूरी तरीके से सबके समक्ष है, सबके सामने है, सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया पत्रकार ने बहुत सारे चैनल से दिखाया है। जो बहुत ही सामान्य तरीके से एक सामान्य गरीब परिवार अपना भरण पोषण करने के लिए सब्जी ज़मीन पर लगाकर, कभी धनिया, कभी आलू, इस तरीके की चीज़ें बेचने का काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आरोप है कि बांगरमऊ पुलिस पे हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि विभाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि उसकी मौत को लेकर उन्नाव के बांगरमऊ में ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली। हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड पर पहुंच गए और सच जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ था, क्यों सब्जी वाला मर गया। अब सवाल उठता है कि पुलिस वालों ने आखिर उसे क्यों उठाया, क्यों मारा, क्या पुलिस वालों से कोई गलती हो गई या पुलिस वालों ने जानबूझकर उसको मारा, फिर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। पुलिस वालों की इस हरकत पर उन्नाव का बांगरमऊ जल रहा है, लेकिन हर एक सवाल का जवाब है पुलिस की चुप्पी, खामोशी और पुलिस की बेबाक आज़ादी। आम लोगों की मांग है कि पुलिस वाले पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने सिर्फ सस्पेंड करके अपनी नाक कटवाने से बचा लिए। नायाब कप्तान के सिपाहियों ने साबित किया है गुंडों से खतरनाक है उन्नाव की बांगरमऊ पुलिस। बांगरमऊ में कल एक किशोर की कस्टोडियल डेथ के बाद आज दूसरा दिन है। कल काफ़ी सरगर्मियां यहां पर रहीं
उन सरगर्मियों के बाद जाम प्रदर्शन हुआ। किशोर के जो परिजन थे वो लगातार पुलिस से मांग कर रहे थे कि पुलिस कर्मियों के ऊपर, जो दोषी पुलिस कर्मी हैं उनके ऊपर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए और घर में सरकारी नौकरी किसी एक व्यक्ति को दी जाए। इन सब मांगों को लेकर कल जाम लगा रहा, पूरी रात पुलिस महकमा परेशान रहा और तमाम सारी सरगर्मियां उठा पटक मचती रही। इंस्पेक्टर बांगरमऊ जितेंद्र सिंह की उदासीनता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर वो लापरवाही ना करते तो शायद थाने में बेकसूर की मौत ना होती। ग्लोबल भारत यही पूछना चाहता है कि मात्र आरक्षी और होमगार्ड पे निलंबन की कार्रवाई करके पुलिस महकमा के अपने कर्तव्यों की इतश्री कर देना चाहता है, क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? अब तक किसी भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उस पे मुकदमा चलाया जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या बांगरमऊ पुलिस गुंडों की तरह आम इंसानों की हत्या करती है? साहिल स्वतंत्र, उन्नाव, बांगरमऊ, ग्लोबल भारत टीवी।